एवरीवन, तो फ्रेंड्स आज का हमारा क्वेश्चन है दिया हुआ है इफ़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू जीरो, तो हमें प्रूफ करना है वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर ए, और ये ए की पावर माइनस वन है, प्लस एक्स एक्स की पावर माइनस बी और माइनस बी की पावर माइनस वन है, प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर बी और बी की पावर माइनस वन है, प्लस एक्स की पावर माइनस सी और माइनस सी की पावर माइनस वन है, और सेम वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर सी माइनस मतलब सी की पावर केवल माइनस वन है, और एक्स पावर माइनस ए और उसकी पावर माइनस वन है, ये वन की इक्वल होगा, ये हमें प्रूव कर रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं एल एच एस से। सबसे पहले इसको देख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है इतना, अगर हम इसमें इस साइड ए बी और ए बी और सी से डिवाइड करें इसको, तो आप देख सकते हो इधर इतना आ जाएगा अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू जीरो, बस इतना आ जाएगा ना, इसको इतना कर लेते हैं। फिर एल एच एस से हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये हो जाएगा वन प्लस एक्स की पावर, इसको लिख सकते हो वन बाई ए, क्योंकि ये जो है ना ए की पावर माइनस वन है, ना कि पूरे की, केवल ए की पावर माइनस वन है, इतना हो गया। प्लस जो ये वाला है ये बी कुछ इस तरीके से जाएगा, क्योंकि माइनस बी की पावर माइनस वन है, ओके वन प्लस वन, और ये इसी तरीके से इतना हो जाएगा, और ये वाला आपका भी इसी तरीके से इतना हो जाएगा, क्लियर हुआ। प्लस ये भी आपका वन प्लस एक्स की पावर वन बाई सी और प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाई ए, इतना हो जाएगा, ओके अब देखो हम करते क्या है, यहाँ पे इस तरीके से बन गया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे एक्स की पावर वन बाई मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वन से पहले एक्स की पावर वन बाई बी, इतना हो जाएगा। प्लस जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा वन की पावर ए प्लस वन की पावर बी, और जब इधर होगा तो ये क्या होगा वन हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है और उतना ही प्लस में आएगा तो वन हो जाएगा। प्लस इसको ऐसे रहने देते हैं, तो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं वो अभी आपको बाद में पता चल ही जाएगा कि हमने क्यों ऐसा किया। तो इसको ऐसे सेम ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। प्लस इसमें आते हैं, देखो अगर मैं कहूँ वन बाई ए प्लस वन बाई की बी की वैल्यू क्या होगी, तो वन बाई ए प्लस वन बाई की वैल्यू क्या होगी माइनस वन बाई सी, तो यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं एक्स की पावर माइनस वन बाई सी से, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन बाई सी प्लस इसका जो मल्टीप्लाई इसमें होगा माइनस वन बाई सी का, तो ये हो जाएगा वन, और प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाई ए और माइनस वन बाई सी, यहाँ पे क्लियर हुआ ना। यहाँ पे पहले टर्म में हमने क्या कराया, एक्स की पावर वन बाई बी से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, और बीच वाला टर्म हमने छोड़ के लास्ट वाले में वन की पावर एक्स की पावर माइनस वन बाई सी से मल्टीप्लाई कराया। तो कराने का मकसद ये था, अभी क्लियर हो जाएगा तो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ऐसा कराया। तो ये देखो यहाँ से अगर मैं वैल्यू रखना चाहूँ इसकी, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी की वैल्यू, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाई सी प्लस वन, और प्लस ये हुआ, और वन प्लस वन की इसको ऐसे लिख देते हैं एज इट इज़, ओके वन बाई सी प्लस यहाँ पे देखते हैं वन बाई माइनस सी आया, और एक्स की पावर माइनस वन बाई सी प्लस वन। अब इसमें देखते हैं ये अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा माइनस, अगर इसको मैं लिख सकूँ तो इतना हो जाएगा, मतलब कि माइनस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी। तो अगर मैं ए अपॉन वन अपॉन ए प्लस वन एक बटे, अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूँ तो आप बताओगे माइनस बी, तो माइनस वन वन बाई बी और बाहर पहले से माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन बी। अब अगर देखूँ तीनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना, तो और ऊपर वाला हम तब क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है, ओके। और तब देखो कि आपका जो न्यूमिनेटर में आया हुआ है वही डिनोमिनेटर में भी है, आप चेक कर सकते हो, ये दोनों सेम आ रहे हैं, वन है इतना है इतना इतना, तो ये दोनों कट जाएंगे और आपका वन हो जाएगा।
देखो हमें प्रूफ क्या करना था, इतना दिया हुआ था, इतना हमें प्रूफ करना था वन, तो हमने एल एच एस को लेकर के आर एच एस ला दिया जो कि वन आ गया, प्रूफ हो गया मेथड। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।